प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रथम अनुप्रयोग। तो प्रथम अनुप्रयोग है हमारा सीधे लंबे धारावाही तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पिछले क्लास में हमने देखा था एम्पियर के परिपथीय नियम का परिभाषा और उसके सूत्र के भी व्युत्पत्ति किए थे। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे क्लिक कीजिएगा, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे या फिर आईकॉन बटन पर भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम एम्पियर का प्रथम अनुप्रयोग। ठीक, जिस तरह से बायोसावर्ट का प्रथम अनुप्रयोग देखे थे उसी तरह इसका भी प्रथम अनुप्रयोग सेम वही है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, जो एम्पियर के परिपथीय नियम में जो चित्र हम बनाए थे, क्या चित्र बनाए थे, एक चालक तार लिए थे, क्या लिए थे, एक चालक तार, ठीक, एक्स और वाई लिए थे, क्या लिए थे, एक चालक तार एक्स और वाई। अब इस चालक तार के मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु P लिए थे। अब ठीक, तो हम बिंदु यहाँ पे P ले लिए। अब इसी बिंदु P पे हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस बिंदु P को और ये R त्रिज्या का ये केंद्र दे दीजिए इसको O। अब क्या करेंगे हम, O केंद्र और R त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं, अर्थात इस तरह से ये हम इसमें क्या करते हैं, एक वृत्त खींच देते हैं। ठीक, ये हम खींच लिए एक वृत्त। अब वृत्त की परिधि हमारा ये है, इस परिधि पर क्या करते हैं हम, एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। तो ये ले लिए हम अल्पांश, अल्पांश के लिए लंबाई क्या लेते हैं, dl, क्या लेते हैं, dl। अब अल्पांश से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है, स्पर्श रेखीय दिशा में इस ओर होती है ना, अर्थात अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र बी दोनों की दिशा समान है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक, अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है वो स्पर्श रेखीय दिशा में इस तरह से रहता है। तो ये चित्र है, इसी चित्र को आप इसके लिए भी बना लेंगे। अब इसके बाद हम सीधा देखते हैं इसका वर्णन, छोटा व्यंजक है ये। ठीक, वर्णन में क्या लिखेंगे हम, ये इसमें धारा प्रवाहित हो रहे हैं आई, और आई धारा है वो एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो वर्णन में लिख सकते हैं हम, माना कागज के तल के लंबवत एक्स वाई एक तार है जिसमें विद्युत धारा आई एक्स से वाई की दिशा में प्रवाहित हो रही है। तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इतना लिखेंगे। उसके बाद बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। जब वृत्त हम इसमें खींचे तो इसमें क्या करेंगे हम, एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करेंगे। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होता है, एम्पियर के परिपथीय नियम से, ठीक, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, परिभाषा भूल गए होंगे तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी हुई कुल धारा I का म्यू जीरो गुना होता है, अर्थात बंद समाकलन B डॉट dl, ठीक, इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो और ये I, यही क्या है, एम्पियर के परिपथीय नियम का सूत्र है। अब डॉट हटाते हैं तो डॉट की जगह क्या लगाते हैं, डॉट हटाने के बाद वहाँ पे लगाते हैं हम कॉस थीटा, क्या लगता है, डॉट हटने के बाद कॉस थीटा लगता है और ये होगा म्यू जीरो आई। ठीक, फिर आगे देखिए, कॉस थीटा, थीटा अर्थात ये अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र भी दोनों के बीच बनने वाला कोण, तो चुंबकीय क्षेत्र डी एल और B की दिशा समान है। जब दिशा समान होता है तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0 डिग्री। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो बंद समाकलन बी डी एल और कॉस जीरो अंश और ये होगा म्यू जीरो आई। यहाँ से कॉस जीरो का मान क्या होता है, 1, और B को हम कॉमन निकाल देंगे तो B कॉमन निकलेगा, बंद समाकलन डी एल, कॉस जीरो का मान हो जाएगा 1, तो 1 के लिखने की जरूरत नहीं है और इधर होगा म्यू जीरो आई। अब देखिए,
बंद समाकलन डीएल, अर्थात डीएल क्या है, एक छोटा सा अल्पांश है, और अल्पांश कहाँ पे लिए हैं, वृत्त की परिधि पर, तो समाकलन का चिन्ह लग गया, मतलब पूरा पूरा क्या बन जाएगा, परिधि, अर्थात वृत्त की परिधि होता है क्या होता है, 2πr, ठीक। तो बंद समाकलन dl की जगह लिखेंगे हम 2πr, और इधर होगा μ0i। अब हमें r दूरी पर बिंदु P है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अर्थात B का मान निकालना है, तो B इक्वल टू होगा μ0i अपॉन 2πr, और यही है एम्पियर के परिपथीय नियम के प्रथम अनुप्रयोग का व्यंजक, ठीक। इसका व्यंजक बहुत ही छोटा था और बहुत ही आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम एम्पियर के परिपथीय नियम का द्वितीय अनुप्रयोग, अर्थात परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये जो व्यंजक है वो 2018 में 6 नंबर में पूछे गए थे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।